अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम किया था एक दफ़ा फिर से आपका UFB में। मैं हूं सामा और आज हम आए हैं एक दफ़ा फिर से गुलिस्तान क्रू नंबर 1 अकबर चौक में। यहां पे हम आए हैं शानी भाई चिकन एंड जिंगर शवारमा फूड पॉइंट पे, जो कि काफ़ी सारे लोगों यहां पे आते हैं, कहते हैं कि यहां का टेस्ट बहुत अच्छा है और यहां पे माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है। शानी भाई की शॉप जो होती है, इसके अलावा शानी भाई की और कोई ब्रांच नहीं है, पहले बता दूँ मैं। ये इस टाइम हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, बहुत सारा रश लगा हुआ है यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा और विंग्स खाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपकी शानी भाई से भी बात करवाएंगे और बताते हैं उनसे कि वो क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनाते हैं और कितने बजे से लेके कितने बजे तक आप लोग यहाँ पे आके स्टे करके फूड ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल UFB उसामा फूड ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों ये फ्रेश जिंगर शवारमे तैयार हो रहे, इसके अंदर सैलेड जाएगा, सैलेड के बाद इसके अंदर मायो जाएगी। ये मायो जो सी है किस ब्रांड की है, कौन सी कंपनी होती है? ये कंपनी भाई शंगरीला कंपनी की है। शंगरीला कंपनी की है। लो भाई निकालो पीस दो। शानी भाई शंगरीला कंपनी की मायोनीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो जिंगर शवारमे में अभी जिंगर के पीसेस लगने हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, तो हल्का गोल्डन रंग आ चुका है, हो गए कंप्लीट। नहीं नहीं लगे, दो मिनट लगे, दो मिनट और लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या चाल है शानी भाई? अल्लाह की रहमत, आप सुनाएं भाई? अल्लाह पाक का करम ठीक ठाक। शानी भाई ये बताएं कि ये किस जगह पे ये आपके लोकेशन है, एरिया का नाम क्या है? अकबर चौक गुलिस्तान कॉलोनी। अच्छा शानी भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये आपकी फूड पॉइंट? शामी 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। रात 2 बजे तक यहीं पे है जी। और आप दोनों भाई यहाँ पे मौजूद होते हैं? जी भाई दोनों। ठीक अच्छा, तो शानी भाई ये जो आपने एक सेटअप लगाया है ये कितनी की देर हो गई यहाँ पे आपका सेटअप है? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से यहाँ माशाल्लाह काम ठीक जा रहा है। जी जी। आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे? हमारे पास जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा, जिंगर बर्गर, पराठा, आलू वाला नान, नान टिक्की। अच्छा माशाल्लाह ये चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पे। वो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा तो शानी भाई रेट भी बताएं मुझे, जिंगर शवारमे का रेट है? जिंगर शवारमा 120 का भाई। जिंगर बर्गर 150 का। चिकन शवारमा 90 का। और ये विंग्स का क्या रेट है? ये विंग्स मैंने बड़ा विंग्स है 50 वाला। मैंने विंग्स देखे हैं, ये काफ़ी साइज में काफ़ी लेंथ में बड़े हैं, तो बेवा मुर्गी का विंग्स है बड़ा। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप सामान आपके पास जो पड़ा है ये बिल्कुल फ्रेश हर रोज़ क्या करते हैं? फ्रेश आता है हमारे पास, रोज़ाना फ्रेश आता है। चिकन वाला कज़न है मेरा, काम करता है चिकन का, उससे लेते हैं चिकन। उससे लेते हैं, रोज़ाना फ्रेश लेते हैं भाई। तो शानी भाई एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो सेटअप आप लोगों ने लगाया यहाँ पे, ये कहाँ से आया आपको आइडिया कि यार ये यहाँ पे शुरू करना चाहिए? ये भाई किसी की तरफ देखना, ठीक है ना, पता चल ही जाता है आस्ता आस्ता, काम लाइफ में पता लग जाता है। जी जी। तो शुक्रिया शानी भाई, आप लोगों ने हमें भी बहुत अच्छी इज़्ज़त दी है और यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और काफ़ी लोग देखे हैं यहाँ पे जो दूर दूर से आते हैं, मिनिमम जो लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा आपसे अगर किसी ने होम डिलीवरी करवानी है तो यहाँ से होम डिलीवरी भी होती है? हो जाती है, हो जाती है। तो उसके लिए क्या है मिनिमम कितनी लिमिट होता है ना? ऑर्डर 1500 का ऑर्डर हो फिर दे जाते हैं। 1500 का मिनिमम ऑर्डर हो तो आप यहाँ से फ्री दे सकते हैं। तो शुक्रिया शानी भाई आपका, हमें थोड़ा सा इंटरव्यू दिया आपने। और मेहरबानी जी थाने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी भाई, मेरे भाई क्या खाओगे?
दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे झींगे शॉर्ट में इस टाइम तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ जी भाई, रोड और शानी भाई की, इसके अलावा और कोई शॉप नहीं है इस नाम की। दोस्तों ये बिल्कुल फ्रेश फिंगर बर्गर तैयार होने लगे हैं, जो कि शानी भाई फोर्थ पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जिंगर बर्गर में पीसेस डाल रहे हैं, ये बनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं लाइव शानी भाई फूड पॉइंट पे जिंगर बर्गर की तैयारी। तो दोस्तों ये शानी भाई का किचन है, वो तो बिल्कुल लाइव है। इसके अंदर झींगे पीसीज जो के बिल्कुल फ्रेश निकले हैं वो रखे गए हैं, इसके साथ ब्रेड पीसीज हैं, ये शॉर्मे वगैरह का भी करते हैं। तो दोस्तों ये शानी भाई की जो शॉप है, इस टाइम माशाल्लाह से रश लगा हुआ है, काफ़ी दोस्त ग्रुप्स में भी आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग सिर्फ पैकिंग करवाने के लिए आए हैं, पैकिंग करा के यहाँ से पिक करके ले जाते हैं, आगे जाके फिर सीटिंग करके खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बिल्कुल मेन मार्केट है गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 अकबर चौक में। तो दोस्तों ये शानी भाई की फूड पॉइंट से हमने दो झींगा शॉर्मे लगवाए हैं, तो
तो ये जिंगर शवारमे आ गए हैं, तो मैं आपको हल्का सा ये खोल के भी दिखाऊंगा जिंगर शवारमा। अगर इसका ये रैपर खोल देना, ये देखें जी माशाल्लाह से दिखने में बहुत लजीज लग रहा है, जूसी सा है, मायोनीज डाली हुई है, सैलेट है, सॉसेज हैं डाली हुई, मायो डाली हुई है। तो ये देखें ये जिंगर शवारमा आ गया, तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही क्रंची और क्रंची के साथ साथ बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल फ्रेश पीस निकाल के इस जिंगर शवारमे में लगाया गया है। अच्छा दोस्तों, जिंगर शवारमे का जो अंदर पीस है ना, वो इतना लेंथ में लंबा है कि आपको अपना मुंह की जो बाइट है ना, वो बहुत बड़ी सी खोलनी पड़ती है। बहुत ही मज़ेदार है, और मैं आप लोगों को रेफर करता हूँ यहाँ पे जो लोग फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी के इर्द गिर्द कहीं पे भी रहते हैं, अकबर चौक के इर्द गिर्द कहीं पे भी हैं, वो शानी भाई फूड पॉइंट पे ज़रूर आएँ, यहाँ से जिंगर शवारमा और जो भी वैरायटी वो पसंद करते हैं वो खा के देखें, इंशाल्लाह उनको मज़ा आएगा। ये दावा है मेरा, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश तैयार कर रहे हैं, और ये ख़ास तौर पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। जाने से पहले एक बार फिर से मेरे चैनल उसामा फूड ब्लॉग को विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखा करें, हमें कमेंट किया करें अच्छे अच्छे से कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, हमें सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत दे।